राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा? इस सवाल के जवाब से ज्यादा जरूरी सवाल जो सियासी गलियारों में चल रहा है वो ये है कि वर्तमान मंत्रिमंडल से कितने मंत्रियों की छुट्टी होगी, और क्या जो छुट्टी होगी वो सचिन पायलट की वजह से होगी। कल सचिन पायलट दिल्ली में थे, इस दौरान अजय माकन से मुलाकात हुई या नहीं आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि माकन एक ऐसी व्यवस्था लागू करने वाले हैं जिसके जरिए आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। दरअसल माकन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि सभी मंत्रियों के विभागों की समीक्षा हो, बीते सवा साल में किस विभाग के चुनावी घोषणा पत्र के कितने वादों को पूरा किया गया है इसकी समीक्षा हो और हर मंत्री का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सचिन पायलट से क्या कनेक्शन है, तो हम आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि सचिन गुट की बगावत के पीछे का कारण यही दिया गया था कि सरकार में मंत्री चुनावी वादों पर ध्यान नहीं दे रहे और जो वादे जनता से किए गए थे वो पूरा नहीं हो रहे। अब इस समीक्षा को सीधे तौर पर आप उस नाराजगी से जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन अब आपके जहन में सवाल होगा कि क्या गहलोत अपने ही मंत्रियों के मंत्री पद को जाने देंगे? तो ये उनकी सियासी मजबूरी भी है और चतुर्य भी, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस के आधार पर किसी को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा तो फिर विरोध के स्वर कम उभरेंगे, और जैसी चर्चाएं हैं कि आगामी मंत्रिमंडल के जरिए सचिन गुट और निर्दलियों के साथ बसपा से कांग्रेस में शामिल विधायकों की नाराजगी को दूर किया जाए तो फिर कुछ मंत्रियों की छुट्टी तय है। लेकिन इस चिट्ठी के बाद फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सचिन के कहने पर माकन की नियुक्ति हुई, और क्या गहलोत पर सचिन भारी पड़ रहे हैं जो शांत रहते हुए गहलोत की सियासत में अशांति फैला रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज। धन्यवाद।